तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर बैड न्यूज आपको बताने वाला हूँ। ऐसी बैड न्यूज मैंने कुछ टाइम पहले भी दी थी, जो कि मतलब एक साल पहले लगभग, ठीक है। अभी यहाँ पर रिसेंटली फिर से वो बैड न्यूज निकल के आई है, जो कि बात करते थे यहाँ पर, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, जो कि यहाँ पर 54 ऐप जो कि इंडिया में बैन कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर बात किया तो वो कौन कौन सी एप्स हैं और उसके अलावा ऐसी जो एप्स हैं वो क्यों बैन की गई हैं, सारी चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात किया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पता है जो कि एप्स मतलब बैन पहले भी हो चुकी, ठीक है। ऐसा कोई नई नहीं, आप लोगों को पता है जैसे फ्री फायर हुई थी, सॉरी पबजी हो गई, टिकटॉक हो गई, उसके अलावा यहाँ पर जो कि बात करते हैं लूडो वगैरह भी थी, उसके अलावा और भी काफी सारी एप्स थी जो कि यहाँ पर बैन हुई थी, ठीक है, जो कि टेंसेंट वगैरह उनकी वजह से, ठीक है। और आप लोगों को पता है उनका जो रीजन था वही कुछ ना कुछ अभी रीजन है, जो कि यहाँ पर अपना जो डाटा था उसको वो ट्रांसफर कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एप्स बैन हुई थी, ठीक है। अब बात किया तो यहाँ पर उसके बाद में एप्स आई थी, ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं आई हो, जैसे पबजी बैन हुआ था तो उसके अलावा यहाँ पर अपने इंडिया में बीजीएमआई आ गया था, उसके अलावा जो टिकटॉक है उस जैसे और भी प्लेटफॉर्म आ गए थे, तो कहीं ना कहीं मतलब चीजें आती है, लेकिन ऐसा नहीं वो एप्स की जो मतलब पॉपुलरिटी रहती है उतनी नहीं, ठीक है। और आप लोगों को पता है उन एप्स की जो डाउनलोड थे वो मिलियंस में थे, ठीक है, 100 मिलियन के आसपास ऐसे, ठीक है, उससे ऊपर ही थे, सॉरी, ठीक है। अभी यहां पर जो कि बात किया है जो सॉफ्टवेयर देने वाली चीज है, जो कि यहां पर मैं बताता हूं, 54 ऐप्स बैन की गई है, उनमें से जो मेनली एप्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है उनमें से सबसे पहले जो कि एक मतलब 54 ऐप्स हैं जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पर, जो कि वीडियो को पॉज करके देख लेना भाई कौन कौन सी ऐप बैन हुई है। लेकिन बात करते हैं मेनली एप्स की, तो एक तो ऐप लॉक है, ठीक है। आप लोगों को पता है काफी एंड्रॉइड यूजर्स हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड वाले, उनके फोन में ऐप लॉक्स वगैरह खुद से नहीं आती है, iOS में वगैरह में, तो वो क्या करते हैं मतलब ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ऐप लॉक है, जिससे ऐप लॉक्स लगती थी मतलब ऐप्स वगैरह पे लॉक लगते थे, वो ऐप यहाँ पर बैन कर दी गई, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए एक वीडियो एडिटर था जो कि बीवा वीडियो एडिटर, ये भी मतलब लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, ये भी काफी अच्छा मतलब ऐप्स था, इसकी भी पॉपुलरिटी काफी थी, इसको भी बैन कर दिया। उसके अलावा बात करते हैं जो मेनली ऐप है जिसकी मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाइप चल रही है एक तरीके से, जिसकी लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे, ठीक है। और मेरे को बात की जाए तो मेरे को ऐप्स जो बैन हुई थी उसके बारे में कल शाम को ही पता चल गया था, जो कि बात करते हैं अपने व्यूअर्स ने मेरे को बताया, ठीक है। अब बात ऐसी है वीडियोस बनाने का ये मकसद है भाई, काफी लोगों ने पता है, ठीक है, अभी भी, लेकिन जिन लोगों ने पता है उनको पता है लगभग, ठीक है। तो यहां पर बात की जाए तो मेरे को शाम को ही पता चल गया था भाई फ्री फायर बैन हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो मेनली ऐप है उसी की मैं बात करता हूं, तो वो है फ्री फायर, ठीक है। तो फ्री फायर को भी यहां पर इंडिया ने बैन कर दिया है, इसके ऊपर बहुत टाइम से बातें चली भाई बैन होगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो बैन इसको अब कर दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं बहुत मतलब एक तरीके सॉफ्ट वाली न्यूज है, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स की अर्निंग इन्हीं मतलब गेम से होती थी, और बात की जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं मतलब वो फ्री फायर काफी खेलते, ठीक है। तो देखा जाए मतलब उनके लिए काफी बुरा है, लेकिन जस्ट मतलब देखा जाए तो ऐसा नहीं है भाई कि आपको एक तरीके से टेंशन में आ जाए या फिर और नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे सॉरी देखा जाए तो प्ले स्टोर पर अगर आप जाओगे तो फ्री फायर नहीं मिलेगी, लेकिन अभी बात करते हैं तो फ्री फायर मैक्स के नाम से एक एप्लीकेशन है मतलब गेम है वो अवेलेबल है। उसके अलावा बात करते हैं देखो बीजीएमआई भी है, उसके अलावा यहाँ पर जो कि पबजी न्यू स्टेट्स वगैरह, तो काफी सारे गेम्स अवेलेबल है, तो आप वहां पे एक तरीके से डाइवर्ट हो सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं मतलब कि भाई फ्री फायर नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है, सो ठीक है, चीजें हैं। लेकिन अब बात करते हैं मेनली जो चीज की, तो भाई देखो देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये गलत नहीं है, अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो गलत नहीं है, मतलब ठीक है, जिनका जो इनको ज्यादा यूज करते थे, फिर जिनको ये खेलते थे, जिनके घर चलते थे, उनके लिए बुरी न्यूज है। लेकिन जस्ट देखा जाए तो भाई प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है, क्योंकि इन जो एप्स का मकसद हुआ करता था पहले का भी और अभी का भी यही है कि वो डाटा ट्रांसफर करते, ठीक है, यानी कि डाटा चोरी हुआ करता था, जिसकी वजह से अपन की जो प्राइवेसी है कहीं सेफ नहीं रहती, ठीक है। अभी यहां पर बात की जाए तो एक तरीके से अभी सेफ हो चुकी है सारी चीजें, ये एप्स बैन हो गई है, तो अभी इनसे रिलेटेड यानी कि इनसे मिलती जुलती क्लोन्स वगैरह काफी सारी ऐप आएंगे ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन वही है, अगर यहां पर फिर से कभी एप्स होती है तो एक तरीके से अपन को बुरा नहीं मानना है, ये अपनी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत अच्छी चीज है, अपना डाटा सेफ है, अपनी प्राइवेसी यहां पर अब ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो एक तरीके से बात किया तो फ्रेंड्स यही कुछ बैड न्यूज थी, जो कि उम्मीद है मैंने आप लोगों को बता दी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड अपने ओपिनियन देने हैं तो वैल्यूबल फीडबैक कमेंट्स देकर जरूर बताना। वीडियो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना, फिर से व्हाट्सएप पर अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑलवेज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लेकर आप इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।